गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फिर एक डीमार्ट हॉल वीडियो लेकर आई हूँ, और जो जो चीज़ें लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा मंथली ग्रोसरी नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं तो मैं मंथली एक ही बार नहीं लाती हूँ, 2 बार 3 बार ऐसे करके लाती हूँ, या 10 10 दिन का सामान लेकर आती हूँ। पूरा मंथ का मुझे लेकर आना ऐसे पसंद नहीं है, ऐसे हम शुरू से नहीं किए हैं। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ें लेकर आती हूँ, कभी बिग बाजार से या कुछ भी, बट डी मार्ट का आप लोगों को पसंद आता है तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। बस बस मुझे एक चीज़ प्रॉब्लम लगता है गाइस, कि मुझे ये ना बिल बताना मुझे बहुत गंदा काम लगता है। डोंट नो, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि कितना कितना लिए हैं। बस मतलब ये सब सामान मेरे हस्बैंड, ये सब काम वो करते हैं, मुझे बस मैं सामान पिक करती हूँ। मुझे प्लीज़ गाइस, अगर आपको चाहिए इसका प्राइस तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। लेकिन मैं ऐसे नहीं बताऊँगी, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत गंदा लगता है ये चीज़। तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। एंड या अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, रेड बटन होगा उसको क्लिक करके, और साथ में जो बेल बटन आएगा उसको ज़रूर ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो कि मैं हर बार भूल जाती हूँ बताना, सब्सक्राइब करना। तो इस बार मुझे याद था तो मैंने बता दिया। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ से कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 कप लिए हैं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ये पसंद आ गया था तो इसलिए ले लिए, क्योंकि जो डेली बेस पे होता है, जब हम दोनों साथ में चाय पीते हैं तो इस तरीके का साइज जो होता है हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये वाला हमने साइज लिया। और कप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ख़रीदना, तो हर बार जाती हूँ तो जहाँ पे कप मिलता है वहाँ मैं ज़रूर रुक जाती हूँ। तो इन दोनों का वैसे तो प्राइस थोड़ा सा बता देती हूँ, तो ये मुझे पड़ा है 49 का और इसका MRP है 55, तो डिस्काउंट इसमें भी मिला। और मुझे उसके अभी ये जो मुझे प्लेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अपने बेटे के लिए एज अ स्नैक्स उसे सर्व करने के लिए, तो वो मैंने इसलिए ले लिया नीरज के लिए। काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी भी है, तो ये भी मुझे 29 रुपीज़ का पड़ा डीमार्ट प्राइस। मैं सब कुछ लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फाइनली मैंने ले लिया ये क्या कहते हैं बाबू इसको, हाँ। सो फाइनली मैंने ये मैशर ले लिया। मेरे पास मैशर था नहीं, काफी दिन से सोच रही थी और मैं हर बार भूल जाती थी, और इस बार फाइनली मैंने ये मैशर ले लिया है। तो क्योंकि मुझे मैशर ज्यादा यूज नहीं होता है, बट उसी वक्त होता है जब नीरव के लिए कुछ हार्ड चीज बनाती हूँ उसको मैं, ताकि मैश कर दूँ ताकि वो इजीली खा सके, तो बच्चे बहुत फंसी होते हैं इसलिए मुझे लेना पड़ता है। और इसके बाद मैंने ये लिया है वॉलनट, जो कि मैंने फिर से अभी लोरी आ रही है तो मैंने सोचा इसको भी एक स्नैक्स की तरह बना सकते हैं, तो मैं इसका बनाऊंगी दालचीनी और बटर के साथ, बहुत अच्छा बनता है तो मैं वो बनाऊंगी। कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी फ़ोन चार्ज नहीं है, तो ये मैंने वॉलनट लिया है और मैं इसका भी प्राइस नहीं बताऊंगी बाद में। उसके बाद मैंने ये लिया है राजमा, तो मुझे लग रहा था मेरे हस्बैंड छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने ही लिया है बहुत सारी चीज़ें आधा से ज़्यादा, तो ये उन्होंने लिया है। और उसके बाद मुझे एक ये हैंकी बहुत ही क्यूट सा लगा, काफ़ी थिक है, बहुत अच्छा है, ये 20 रुपीज़ का मुझे मिला और क्वालिटी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने ये मखाने लिया है, तो इसका मैं एक स्नैक्स बनाऊंगी गुड़ के साथ, गुड़ और घी के साथ नीरव के लिए, अपने बेटे के लिए, तो इसलिए मैंने ये स्नैक्स के लिए ले लिया। और ये मैंने चिक पीस लिया है, तो ये भी ज़्यादातर मैं नीरव के लिए, और हम भी खाएंगे छोले, वैसे छोले उतना पसंद नहीं है मुझे। और ये मैंने राई लिया है ब्लैक वाला सरसों जो होता है। उसके बाद मैंने ये लिया है मेयोनीज, आई लव मेयोनीज एंड चीज़, आई डोंट नो क्यों इतना पसंद है, मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करना स्पेशली चीज़, बट यू कांट। ओके, उसके बाद जो मैंने लिया है ये स्क्रब लिया है, एंड उसके बाद जो लिया है ये है अमेरिकन मस्टर्ड सॉस, जिसको आप सैंडविच पे स्प्रेड करके खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, बर्गर के साथ खा सकते हो, हॉट डॉग के साथ, आप रोल कुछ भी, तो ये भी मैंने ले लिया है, आई जस्ट लव। उसके बाद मैंने ये न्यूटेला लिया है, न्यूटेला मैंने नीरव के लिए ब्रेड पे स्प्रेड करने के लिए, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ली हूँ, लेट्स सी कैसा होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। उसके बाद ये हिमालय का बेबी लिप लिया है, और उसके बाद ये गुड़ लिया है क्योंकि मकर संक्रांति आ रहा है, तो पहले मैंने लिया था वो वाइट वाला था, फिर उसके बाद मैंने ये डार्क वाला, मेरे हस्बैंड बोले अच्छा होता है तो इसलिए मैंने लिया है। पहले इतना ट्राई करूँगी, और ज़रूरत होगी तो मैं ले आऊँगी। हम लोग एक ही जगह से सामान नहीं लाते हैं, 3 4 जगह से लाते हैं जहाँ पर जो अच्छा हमें लगता है फ़ायदा। और ये मैंने अरहर की या तुअर की दाल लिया है, और ये ब्रश एक्चुअली मेरा बाथरूम का जो था ना वो
मैंने खराब हो गया इसलिए मैंने ये लिया है। उसके बाद नमक भी कम था तो हमने सोचा चलो नमक ले लेते हैं। उसके बाद ये एक नोटबुक कॉपी जो भी कहते हैं, तो ये मेरे हस्बैंड के लिए है, तो ये उन्होंने अपने पढ़ाई के लिए लिया है, पढ़ाई वढ़ाई तो वही करते हैं। उसके बाद ये मैंने साबुत मूंग की दाल लिया है स्प्राउट्स या फिर डोसा बनाने के लिए, तो मुझे ज़्यादा ये डोसा के लिए अपने हस्बैंड को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए मुझे ज़्यादा ये डोसा चाहिए होता है। और उसके बाद ये जो है बड़ी लिया है, बड़ी ये बैंगन की सब्जी में और आलू बैंगन की सब्जी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ये सूजी, सूजी है अभी बट फिर भी हमने ले लिया क्योंकि डिस्काउंट मिलता है डी मार्ट पे, तो आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को और आप ले ही लेते हो, थोड़ा था हमने कहा ले लेते हैं। उसके बाद चीज़, चीज़ आई लव चीज़ या तो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कम लूँ ताकि कम खाऊँ। उसके बाद ये लाइटर, क्योंकि हमारा लाइटर जो है वो भी काम नहीं कर रहा है तो हमने सोचा ले लेते हैं। प्लस ये बहुत ज़्यादा सस्ता था, ये 59 का था ना, यस ये सिर्फ 59 का हमें मिला। इसके साथ देख सकते हो आप नाइफ भी है, उसके साथ पीलर है, और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। उसके बाद हमने लिया है चीनी, तो चीनी अभी स्वीट्स के लिए बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हमने इधर 10 kg का है ना, उसके बाद हमने ये 10 kg का, कितने का पड़ा ये, 269। ये हमें 269 का पड़ा, यार बहुत ज़्यादा सस्ता है ये तो, और भी 10 kg। गुड्डी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, बस इतना ही था। तो होप आपको ये छोटा सा डी मार्ट हॉल अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर, इस वीडियो को लाइक करना है आपको, और अपना अपने कमेंट जो भी आपके सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।